काशी नगरी जन्मे थे रविदास, पुत्र जन्मा पिता रघु के घर में था उल्लास। धुरबिनिया थी माता, संत शिरोमणि रविदास की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय श्री राधे। अभी हम सबने रंगीली होरी के भाव सिंधु में हिलोरे लिए लिए ना। इस प्रेम के समुद्र में एक बार जो डूब गया, फिर वो कभी इस रस से बाहर नहीं आया। करुणामयी सरकार ने करुणा करके हम सबको ब्रज में बुलाया है और अपनी तथा अपने भक्तों की लीला का दर्शन करवा रही हैं। यही नहीं, श्री जी ठाकुर जी की लीला तो सदा सर्वत्र अविरल रूप से चलती रहती है। पता है ये सब करने के लिए क्या करना है? हम कैसे देखेंगे श्री जी ठाकुर जी को? बस अपने हृदय को सुंदर कोमल भावनाओं से सजा लो। कैसी भावनाएं? दया, क्षमा, सहनशीलता, इन भावनाओं से सजा लो। अपने मन के दर्पण को साफ कर लो तो श्री जी ठाकुर जी उसी क्षण प्रकट हो जाएंगे। इसका उपाय भी बताया है श्रीमन महाप्रभु जी ने, चैतन्य महाप्रभु जी ने। वे कहते हैं कि मन को निर्मल करने के लिए एक उपाय है और वो है हरि नाम संकीर्तन, श्री कृष्ण संकीर्तन। केवल कृष्ण की कथा कहो, कृष्ण कीर्तन करो, कृष्ण के लीलाओं का आस्वादन करो। भगवान जी ने गीता जी में भी कहा है, एकमात्र मेरी शरण ले, मेरे में ही मन लगा, मेरा ही भक्त बन, दिन रात मेरी ही सेवा कर, मुझे ही नमस्कार कर, तब तू मुझे प्राप्त हो जाएगा। अब मुझे एक कथा याद आ रही है। एक बार सूरदास जी अंधकूप में गिर पड़े तो श्री कृष्ण ने एक ग्वाले के रूप में आकर उन्हें बचाया। जब उन्हें बाहर निकाला तो ठाकुर जी का स्पर्श पाकर सूरदास जी पहचान गए कि ये तो ठाकुर जी का स्पर्श है। तो ठाकुर जी हाथ छुड़ाकर भागे। सूरदास जी बोले, हाथ बाँ छुड़ाए जात हो, निबल जान के मोए, हृदय ते जब जाओगे सबल बतूंगो तोए। ऐसा दृढ़ विश्वास था सूरदास जी के मन में। तो हम भी दृढ़ विश्वास के साथ प्रतिज्ञारत होकर ठाकुर जी की शरण लें। आइए आगे की लीला का रसा स्वादन करते हैं। जय श्री राधे। अरे राधे, ये तो काशी नगरी है जहाँ कल कल करती गंगा सबके पापों को नष्ट कर रही है। जी, ये वही काशी है, पर यहाँ गंगा के अतिरिक्त और भी नदियाँ बह रही हैं, जो आपको दिख नहीं रही हैं। जात पात की कुप्रथा की नदियाँ, पीड़ित भक्तों के रक्त की नदियाँ। राधे, ये क्या कह रही हो? ये तो मेरे प्रिय महादेव की नगरी है। जी, जैसे महादेव तांडव करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी नाना प्रकार के तांडव हो रहे हैं। अत्याचार का तांडव, धर्म के नाम पर अधर्म का तांडव। लीजिए एक और तांडव का दर्शन कीजिए यहाँ छुपकर, कहीं आपसे भी कोई आपकी जाति ना पूछ ले। मारो, बचाओ, बचाओ,
कोई है? मुझे बचाओ, बचाओ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मत मारो, मत मारो, माफ करो मुझे, बचाओ, बचाओ, मारो इसे, नीचा काट दो, चमार जाने का है, जय भारत डालेंगे, मारो इसे, काट दो, वो भागा, वो भगड़ा दे, चमार है, बाबा विश्वनाथ की, जय हो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, मारो इसे, नहीं चमार है, वो भाग रहा है, वो भाग रहा है, भाग, भाग कहाँ तक भागेगा? ये काल भैरव की नगरी है, कहाँ तक भागेगा अपने काल से? भाग, इतना सा मंदिर की सीढ़ियों तक आ गया। देखा हमने, शूद्र जाति का एक चमार होकर इतना साहस। ए, रुको रुको, क्षमा करे स्वामी जी, मेरा बच्चा 15 दिनों से बीमार है। सारे वेद को दिखा दिया, सारी दवाइयां दे दी, कुछ भी नहीं हुआ। मेरा बच्चा मौत के द्वार पर खड़ा है। सोचा कि भगवान ही एक सहारा है। मैं सोचा मंदिर जाकर बाहर से ही विनती कर लूंगा। मैं अंदर नहीं जाना चाहता था, क्षमा करे, अंदर तो क्या, मंदिर के आसपास भी आने का अधिकार नहीं है तुम नीची जाति वालों को। तुम लोग शूद्र हो, चमार हो। तुम्हें भगवान के दर्शन तो दूर, हमारे भगवान का स्मरण करने का भी अधिकार नहीं है। क्षमा कर, आप तो भगवान के भक्त हैं, सेवक हैं। मैं कभी नहीं मंदिर के आसपास से आऊंगा। हम भगवान के सेवक हैं, इसीलिए तुझे दंड देने आए हैं। तेरे अपराध के कारण कहीं वो हमसे ना रूठ जाए। आप मंदिर के चारों ओर चार चार कोस तक हमें शुद्धिकरण करना पड़ेगा। मुझे छोड़ दीजिए, मेरा बेटा बहुत बीमार है, मुझे शीघ्र उसके पास जाना होगा। जय काल भैरव, शीघ्र तो हम तुम्हें पहुंचाएंगे, लेकिन नरक में इस घोर अपराध के लिए पकड़ो इसे, मार डालो इसे। जय काल भैरव। जय काल भैरव। चलो यहां से। सुनो सब, अगर कोई नीच जाति वाला मंदिर के आसपास भी भटका तो यही हाल होगा उसका। महंत गंगाधर पांडे नाम है मेरा। जय काल भैरव। वाह यूसुफ भाई वाह, आज के मुशायरे में मजा आ गया। एक से एक शायर, कमाल हो गया मियां। क्या क्या कलाम पढ़ रहे थे? सुना है उसमें से कुछ शायर ईरान और अफगानिस्तान से भी आए थे। यूसुफ भाई, वो कलाम याद है आपको? जिनकी एक नजर को तरसते हैं हम, वो एक नजर डाल दे तो बस निकल जाए दम। बहुत पिया उनकी नजरों का प्याला, फिर भी लगता है कम। वाह वाह वाह, क्या बात है। वो एक नजर डाल दे तो निकल जाता है दम, क्या बात है, क्या बात है। लाहौल बिला कुपत, ये कौन है? पता नहीं यूसुफ भाई, पर
जो भी है बेमौत मारा गया। मरा नहीं है जहीर, पर मौत की कगार पर है। पर बशीर भाई, किसने किया होगा इसका यह हाल? बड़ा बेरहमी से कुचला है इसे। शायद ये वही है जिसके पीछे सारे हिंदू पंडित और ब्राह्मण भाग रहे थे। मैंने देखा है यूसुफ भाई, कह रहे थे तू नीच जाति का है, मंदिर के पास कैसे आया? यूसुफ भाई मानिए, ये वही है, कुत्ते की तरह मारा है उन्होंने इसे। देखिए, कह रहे थे तुम लोगों की सारी बस्ती में आग लगा देंगे, हम ब्राह्मण लोग। हाँ, मैंने सुना है। लड़ने मरने दो सालों को, यह इनके हिंदू धर्म की आपस की लड़ाई है, हमें क्या वास्ता इस सबसे? नहीं, वास्ता है, बहुत गहरा वास्ता है। ये अपने धर्म के नाम पर जितना लड़ेंगे मरेंगे, हमारा काम उतना आसान होता जाएगा। अल्लाहु अकबर। यूसुफ भाई ठीक कह रहे हैं जहीर। वो कैसे? याद रखो, बाहर वाला तुम्हारे घर पर तभी हुकूमत कर सकता है जब घर में फूट हो। और तुमने सुना नहीं, उस दिन जब हम बादशाह सलामत से मिलने दिल्ली गए थे तो वो क्या कह रहे थे? सुना था यूसुफ भाई, बादशाह सलामत कह रहे थे पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करनी है तो इन्हें हमें मुसलमान बनाना होगा, पूरे मुल्क में सिर्फ एक झंडा होगा इस्लाम का। बस तो अब जरा सोचो, एक कमबख्त अगर आपस में धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर यूं ही लड़ते रहेंगे तो हमें इनकी कौम में फूट डालने में कितनी आसानी होगी, इनका समाज कमजोर होता जाएगा। जनाब ठीक कह रहे हैं आप, इन नीची जाति को ऊंची जाति वाले बुरी नजर से देखते हैं, उनसे जानवरों की तरह सुलूक करते हैं और हम उसका फायदा उठाते हैं, उन्हें अपने साथ मिलाकर मुसलमान बनाकर। वाह जनाब वाह, यानी हींग लगी ना फिटकरी और रंग भी चोखा। एक भी तलवार नहीं उठेगी और लाखों करोड़ों हमारे गुलाम बन जाएंगे इस्लाम कबूल करने के बाद। याद रखो, धर्म से बड़ी कोई अफीम नहीं है इन बेवकूफ लोगों के लिए। धर्म एक नशा है, एक बार दिमाग में पिला दो फिर चाहे जो करवाते रहो। यूसुफ भाई, वैसे तो आपको सब मुल्ला मौलवी समझते हैं, पर आपकी सियासत पर भी पकड़ कम नहीं है हुजूर। हाँ भाई, इसीलिए तो बादशाह सलामत मशवरे के लिए हमें दिल्ली बुलाते हैं। याद रखो, हुक्म बादशाह का होता है लेकिन पर्दे के पीछे चाल हम मुल्ला मौलवी चलते हैं। वाह, इसका मतलब कि जो मुल्ला मौलवी कहेंगे बादशाह वही करेगा? बेशक। चलिए जनाब, मान लिया इन जैसों को तो हम मुसलमान बना लेंगे, पर ये ऊंची जाति के लोग इन्हें कैसे बदलेंगे? कहीं असर होगा प्यार का तो कहीं खौफ होगा तलवार का। अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। पर हुजूर, अगर तलवार के खौफ से भी कुछ नहीं हुआ तो? सुनते हैं हिंदुओं की चमड़ी बहुत मोटी है, अपने धर्म को छोड़ते नहीं है साले, मुसलमान नहीं बनेंगे। मुसलमान नहीं बनेंगे तो पिला देंगे इन प्यासी तलवारों को हिंदुओं का खून, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रयाग के उस ब्राह्मण परिवार के साथ किया था। क्या किया था जनाब? मुसलमान बनने से इनकार कर रहे थे, मार डाला सबको, कत्ले आम कर दिया बीच बाजार में, बस दहशत फैल गई। यूसुफ भाई ठीक कह रहे हैं, यानी कुर्बानी एक की हुई और डर सब में पैदा हो गया। सुना है कुछ ही घंटों में न जाने कितने लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। वाह जनाब वाह, क्या चाल चली है आपने।
इसीलिए तो फरमाते हैं अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी 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 अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी 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 अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब चलो यहां से, इस चिंगारी को अभी आग बनने दो, दंगे होने दो, चलने दो काशी को, तब हम फायदा उठाएंगे। लगता है भीड़ यहीं आ रही है। इसी ओर भाग रहे थे धनमा के पीछे, ना जाने क्या हाल किया होगा उसका। मैंने बहुत रोका था धनवा को, मत जा मंदिर की ओर, ये पंडित ये ब्राह्मण हमारी जान के दुश्मन है, मार डालेंगे तुझे, ना जाने कहाँ है वो। अरे ये देखो, यहाँ है हमारा धनवा। आ, 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 सेतु, तू आ गया, मेरा बेटा कैसा है, सेतु, मेरा बेटा कैसा है। वो ठीक है, हम तुम्हें लेने आए हैं, चलो धनमा। नहीं, मुझे लंबी यात्रा पर जाना है प्रभु के पास, मेरे बेटे का ध्यान रखना। प्रभु प्रभु। धनवा धनवा मेरे भाई। अब हमारा धनवा कभी नहीं आएगा, मार दिया धर्म के ठेकेदारों ने इसे। बेचारा बेचारा अपने बेटे के प्राण बचाने में अपने ही प्राण गंवा बैठा। हे भगवान, कैसी दुनिया बनाई है तूने, सबको एक जैसा क्यों नहीं बनाया, हमसे क्या भूल हुई है। हंसा हंसा, संभाल अपने आप को, हमारे बाग में यही लिखा है। उठाओ इसे, उठाओ। देखा तुमने, पृथ्वी पर यवनों का राज होता जा रहा है, हिरण्यकश्यपु रावण और कंस की तरह दुष्ट मलेच्छ सनातन धर्म को निर्मूल करने का विड़ा उठाए हुए हैं, हिंदू बलात् मुसलमान बनाए जा रहे हैं और अस्वीकार करने पर तलवार की धार उतारे जा रहे हैं। राधा मेरी प्रिया राधा, मैं सब जानता हूँ। यही सोचकर तो मैं और भी चिंतित हूँ, ये सब तुम्हारी रची हुई लीला है, पर क्यों? इस क्यों का उत्तर इतना आसान नहीं है। इसलिए मैंने हर आत्मा को स्वतंत्रता दी है कर्म करने की, हर आत्मा अपने कर्मों को भोगते हुए अपनी यात्रा पर अग्रसर है। देखो राधे, युग बदलते हैं, युगों के साथ मनुष्य का स्वभाव उसका आचरण भी बदलता है। कलयुग कलह युग है, भाई भाई में, घर घर में, समाज में, पूरे संसार में कलह का विष फैल रहा है और फैलेगा, इसलिए जगह जगह ये तांडव हो रहा है। और ये जात पात, ये ऊंच नीच, ये भेदभाव, ये सब क्या है? राधे, जन्म से न कोई ब्राह्मण है न ही कोई शूद्र, मैंने तो सबको समान बनाया है, पूरे संसार के समस्त प्राणी मेरा ही तो अंश है, मेरे अपने एक समान है, उनके कर्म ही उनका वर्ग और वर्ण निर्धारित करते हैं, परंतु कलयुग के प्रभाव में भेदभाव का प्रचलन हो गया। और तुम ये सब दृष्टा के रूप में बैठे देखते रहो, कुछ करोगे नहीं? कलयुग की इस भीष्म अग्नि में न जाने तुम्हारे कितने भक्त झुलस रहे हैं, अपने भक्तों की रक्षा नहीं करोगे? मेरे भक्त तो मेरी आत्मा है, उनके लिए तो मैं सारे नियम भी तोड़ सकता हूँ, काल की चाल को रोक सकता हूँ राधे। अब बस देखती जाओ तुम। अभी तो मुझे केवल अत्याचार और विनाश का घोर अंधेरा दिख रहा है। सूर्य उदय के कुछ क्षण पहले घोर अंधेरा ही होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदास्मानं सुजाम्यहं परित्राणाय साधुना
विनाशाय चतुष्कृताम धर्म संस्थार संभवामी युगे। सनातन धर्म की रक्षा के लिए पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है राधे। वो कैसे? जैसे मैंने श्री राम अवतार में अपने प्रिय भक्त हनुमान, अंगद, नल नील, वानर भालू की सहायता से समुद्र पर सेतु बांधा था, उसी तरह मेरा एक भक्त अपने शिष्यों की सहायता से एक भक्ति सेतु बांधेगा। भक्ति सेतु? हाँ, भक्ति सेतु। जैसे मेरे राम अवतार में उस विशाल समुद्र को पार करना अत्यंत कठिन था, याद है तुम्हें? याद है, सब याद है। तुम श्री राम के रूप में समुद्र की अगाधता, अपारता और भीष्मता को देखकर अधीर होने की लीला कर रहे थे। सुनो कपीस लंकापति बीरा, कही भी थी तरह ही जलेदी गंभीरा। संकुल मकर उरक जस जाती, अति अगाध दुस्तर सब भाती। पर सेतु बंध जाने पर तुमने सबको सहज ही पार करा दिया। बस वैसे ही ये भक्ति सेतु संसारी जीवों को कलयुग के इस भव सागर से पार करा देगा। प्रिय राधा, उस सेतु को तो मैंने विभीषण की प्रार्थना पर अपने अवतार काल में ही नष्ट कर दिया था, पर ये महान गुरु और इसके शिष्य द्वारा बनाया गया भक्ति सेतु उससे अधिक विस्तार वाला और सशक्त होगा। अच्छा, कौन है ये गुरु और उसके शिष्य? उस गुरु ने महादेव की काशी नगरी में जन्म ले लिया है। नाम है स्वामी श्री रामानंदाचार्य, जिसकी सहायता के लिए मैं ऐसी ऐसी दिव्य आत्माओं को इनका शिष्य बनाकर भेजूंगा जो कलयुग की इस बढ़ती हुई प्रचंड अग्नि को क्षीण करने में सहायक होगी। ये युग समाज में फैली कुप्रथाओं को समाप्त कर भक्ति का सुनहरा युग कहलाएगा। हर दिशा में प्रेम की गंगा बहेगी राधे। अति सुंदर, प्रेम की गंगा? हाँ राधे, और यही नहीं, इस प्रेम की गंगा में गोते लगाने के लिए मैं भी तुम्हारे भक्त के रूप में गुप्त अवतार लूंगा। मेरे भक्त, भला इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई? आवश्यकता है, क्योंकि प्रेम की गुरु तो तुम ही हो। तुम्हारी कांति तुम्हारी आभा से ओतप्रोत होकर झूमता हुआ हर और हरि नाम कीर्तन करूंगा मैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोग मुझे गौरा चांद के नाम से बुलाएंगे, चैतन्य महाप्रभु कहेंगे। तुम्हारी लीलाएं अद्भुत हैं और बहुत सुंदर, तभी तो तुम्हें सब नटो नाट्यधर कहते हैं। तो अब तो तुम मुझसे रूठी नहीं हो भाई? कोई और बात भी हो मन में तो कह दो। हाँ, एक विचार अभी भी मन में सता रहा है। वो क्या राधे? वो तुम्हारा भक्त धनवा, जिसे आज तुम्हारे मंदिर में प्रवेश ना मिला और मृत्यु को प्राप्त हुआ। मेरा भक्त कभी नहीं मरता राधे, वो तो सदा मेरे हृदय में रहता है, मुक्त आनंद में। कौन्तेय प्रति जानी ही न मैं भक्त प्रणयति। वो देखो उधर, ये तो वही धनवा है। हाँ, मेरा धनवा, धनवा चमार, मेरा परम प्रिय भक्त, अपना स्थूल शरीर छोड़कर सदा सदा के लिए मेरे पास आ रहा है। पर जो इसने इस पृथ्वी पर पीड़ा सही, इसका ये बलिदान? इसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। समाज के ठेकेदारों ने उसे चमार जाति का होने के कारण सताया है। मैं इसी चमार जाति में अपना एक ऐसा भक्त भेजूंगा जो सूर्य बनकर भेदभाव ऊंच नीच के इस काले अंधकार को समाप्त करेगा जो दीमक की तरह पूरे समाज को खा रही है। वो स्वामी श्री रामानंदाचार्य का परम शिष्य भक्त रैदास कहलाएगा। चमार जाति का होने पर भी सारे ब्राह्मण समाज को उसका आदर कर उसे उच्च स्थान देना होगा, उसके आगे झुकना पड़ेगा, उसका बलिदान खाली नहीं जाएगा राधे, मेरा वचन है। आओ आओ धनवा, प्रभु तुम्हारी राह देख रहे हैं, आओ इधर आओ। प्रभु आप मैं तो धन्य हो गया प्रभु। प्रभु आप, प्रभु श्री कृष्ण, माता राधे, मैं तो धन्य हो गया। उठो धनवा। क्यों राधे, अब तो आप प्रसन्न है ना अपने इस दास से? हाँ, और एक बात और कह देती हूँ, तुम बड़े अच्छे हो। चलो राधा रानी तो मान गई,
अरे धनवा, तुम्हें मालूम है आज गोलोक में दो दो उत्सव मनाए जा रहे हैं। दो दो उत्सव? हाँ, एक तो होली का उत्सव और एक तुम्हारी गोलोक आने की खुशी का उत्सव। मेरे आने की खुशी में? हाँ धनवा, प्रभु गोलोक में बड़ी बेचैनी से राह देखते हैं कि कब ये आत्माएं पुनः उनके पास वापिस आए। तो जब भी कोई गोलोक में वापिस आता है तो हम सब बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाते हैं। प्रभु, आप परमात्मा हम आत्माओं से इतना प्रेम करते हैं। धनवा रो मत, नहीं तो प्रभु के भी प्रेम अश्रु झलक जाएंगे। वो देखो रोने लगे। अब आप भक्त और भगवान यूं ही प्रेम बिलाप करते हुए रोते रहेंगे तो मैं होरी कब खेलूंगी? अभी तो मुझे कृष्ण तुम्हारे लगाए हुए गुलाल का बदला भी लेना है। जरा संभलना, मैं अरे बाप रे, भागो भागो धनवा भागो। राधा अगर होली खेलने पे आ गई तो खैर नहीं। अरे भागो भागो, बचाओ कोई है। अब लाल साली